मिलवाते हैं मेरे साथ सब मेरे साथ गौरव भाटिया है बीजेपी के प्रवक्ता असाप में, ये खुद कैंप करके बैठे हुए हैं बीजेपी के मीडिया को वहां पे लीड कर रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सुभाष्ट्रा है इस चर्चा के अंदर, और मेरे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले सुभाष्ट्रा इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर दो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मिल रही है। सुभाष्ट्रा ये 5 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण है, हमने एक एक करके बताया किस किस की साख दांव पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर बंगाल पर क्यों है? इसलिए है आमिष जी क्योंकि बंगाल एक ऐसा गढ़ है जहां पे आज वैचारिकी की लड़ाई है और वहां पर विकास का मुद्दा बिल्कुल गौण हो चुका है। ये बात ममता बनर्जी के पिछले जितने भी साल उन्होंने शासन किया है उस शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज बंगाल के ऊपर जब बात होती है तो राजनीतिक हिंसा के बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज तो बात नहीं ही कर पाती हैं, विश्लेषक भी बात करने से कतराते हैं। आप ही के शो में मुझे लगता है आमिर जी मैंने कई बार ये प्रश्न टीएमसी के प्रवक्ताओं से पूछा हो, नंदीग्राम के 5 गांवों को गिनवा दें जिन गांवों को आदर्श माना जा सके और जिन गांवों के आधार पर भारत के गांव की संरचना की जा सके। नंदीग्राम एक जीता जागता उदाहरण है ममता बनर्जी के फेल्ड विकास के मॉडल का। जनता नंदीग्राम की वैचारिकी को भूली नहीं है, वहां पे किस किस तरीके से कौन कौन सी ताकतों ने विकास होने से रोका था और उसके बाद ये जब आई ममता बनर्जी उसके बाद उन्होंने नंदीग्राम का क्या हाल कर दिया। कोलकाता से नंदीग्राम का सफर आमिष जी, मैं आपको, आप तो एंकर है और एंकर बनने के पहले आपने इतना ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप कोलकाता से, हम तो पिछले 4 दिन में भी बंगाल में ही थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी मैं आपको चुनौती दे रही हूँ आमिष जी कि आप कोलकाता से नंदीग्राम बिना रोड की समस्या लिए पहुंच के दिखाइए मुझे। ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे बात होनी चाहिए आमिष जी। और अंतिम बात, जिस महिला वोटर की आप बात कर रहे थे वो महिला वोटर शोभा मजुमदार का चेहरा नहीं भूलेगी। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपने अपने वक्तव्य के दौरान उल्लेख किया शुभेंदु अधिकारी जी का नाम दिया आपने, देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि कोई नया लीडर जब आता है बीजेपी जैसी पार्टी में, कार्डर बेस्ड जो पार्टी है, कुछ ना कुछ समस्याएं वहां पे आएंगी। काडर के साथ अपने आप को कितना आत्मसात कर पाते हैं वो लीडर, ये सारी बातें जनता तय करेगी आमिष जी। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको असम से देना चाहती हूँ जिनका नाम आपने लिया, हिमंत बिस्व शर्मा। 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से आने के बाद इस तरीके से दिया कि आज वो मिसाल है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये कितना शुभेंदु अधिकारी जी अपने आप को पार्टी के काडर के साथ अलाइन कर पाए हैं ये देखना बाकी है। लेकिन देश की जो प्रदेश की जो जनता है वो ममता बनर्जी के काले कारनामों को देख चुकी है और अभी कितना भी चंडी पाठ कर लें, इन्होंने उस महिला के साथ जो किया और माँ का अपमान जो किया है शोभा मजुमदार का, उसके लिए माँ दुर्गा और माँ चंडी ममता बनर्जी को माफ नहीं करेंगी। मानस जायसवाल, क्या बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ममता बनर्जी फंस गई है क्योंकि उन्हें नंदीग्राम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, हालांकि 5-4 राज्यों में चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो गया। किस तरह से ममता बनर्जी को बताना पड़ रहा है कि देखिए मैं तो हिंदू हूं, मैं यहीं की बेटी हूं, और शोभा मजुमदार सेकंड राउंड से ठीक पहले भारी पड़ गई है आपके ऊपर? सर सभी को मेरा नमस्कार और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार और पूरे देश को नमस्कार। कल होली रहा है, हमारी शुभेच्छा सभी को है। बहरहाल सर, जो दीदी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि वो एक एमएलए का इलेक्शन लड़ रही है, वो अभी व्हील चेयर पे है और वो घर घर जाके डोर टू डोर अपना वोट मांग रही हैं। ये सिद्ध करता है कि आप मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जनता ही जनार्दन है और वो जनता का सेवा कर रही है, जनता से अपने अपने आने वाले समय के लिए बात मांग रही है। 100% जी, हमारी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है, हमने पुलिस को बोला है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज हमारे होम मिनिस्टर है जिनके पंजों में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए और उनको उनके साथ कार्रवाई हो। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम सच हैं। आज सर हर जगह हम लोग, कोई भी घटना हो, कोई दुर्घटना हो, हम सच हो सामने की तरह सामने जाके सर उसका सुधारण करते हैं। सर हर कार्य का निवारण किया है सर हमने, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। जो गलत है वो गलत है, हमारी नेत्री ने हमको सिखाया है अगर कुछ गलत हो रहा है आप आवाज उठाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ जब इलेक्शन हो, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग 80-85-90% तक आके वोट दें। हम तो चाहते हैं, हम दुखी हैं कि 80% ही वोट हुआ पिछले चरण में, हम चाहते हैं 80-85% जब यहाँ होता है वहाँ हो। और सर इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रही है, दिखाया गया है सर
बहुत सारे लोकल चैनल, मैं बता दूं सर आपको, बहुत सारे लोकल चैनलों में दिखाया गया है कि सीआरपीएफ घुसने नहीं दे रही है, प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे हमारे। पर अभी तो खबर आई है अशोक डिंडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है उन पे अटैक हो रहा है। देखिए आसाम में भी चुनाव हो रहा है, केरल में भी, एक सेकंड मानव, देखिए देखिए जयसवाल, मानव जयसवाल, मानव जयसवाल, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो फायदा नहीं है। मैं गौरव भाटिया को बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आ रहा हूँ चर्चा में, एक सेकंड। देखिए हम सिर्फ यह बंगाल के चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चार राज्यों में जो चुनाव हो रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए आसाम में भी चुनाव है, उसमें भी वोटिंग है, आप देखिए केरल में भी चुनाव हो रहा है, आप देखिए तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हमें बंगाल में देखने को मिल रही है, अभी कुछ देर पहले मैं आपको अभी का इंसिडेंट बता रहा हूं, अशोक डिंडा के काफिले पर हमला हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कैंडिडेट है, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। और आप शोभा मजुमदार की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि शोभा मजुमदार का बेटा अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा देखिए ये तो पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा क्यों? आज देश के प्रधानमंत्री ने केरल में से बोला है, आज आज देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय पर केरल से बोला है, जब वो ई श्रीधरन साहब के लिए प्रचार करने के लिए गए थे। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन, क्या कर रही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तुरंत पकड़े सर, वो अपने हमारे कैंडिडेट को वो सुरक्षित नहीं रखना चाहते। सर गौरव डिंडा गर्व है हमारे सर, ऐसा नहीं है, हम लोग गर्वित है उनके, अशोक डिंडा के प्रति, गौरव डिंडा नहीं, अशोक डिंडा की बात कर रहा हूँ सर, अशोक डिंडा की ही बात कर रहा हूँ सर मैं, वो गर्व है हमारे, हम गौरव है हमारे, गर्व है तो उनके तो काफिले पे हमला हो गया सर, हम निंदनीय है सर, निंदनीय किसने किया? मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि डिंडा के काफिले पर जो हमला हुआ, पकड़ा जाइए सर, पकड़ना चाहिए उनको, पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई, ठीक है गौरव भाटिया, हम तो बोल रहे हैं, ठीक है आपने आपने अपनी बात को रखा सर, इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या है पता, उनको लोकल पुलिसिंग के साथ समन्वय नहीं है। अच्छा इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉब्लम है, लोकल पुलिस के साथ उनका समन्वय नहीं है, इलेक्शन कमीशन पूरे देश में चुनाव करा रहा है, केरल में तो उनका समन्वय है, तमिलनाडु में तो उनका समन्वय है, पुंडिचेरी में उनका समन्वय है, असम में उनका समन्वय है, लेकिन बंगाल में लोकल पुलिस के साथ समन्वय नहीं है। गौरव भाटिया इलेक्शन कमीशन का समन्वय नहीं है, आप तो असम में हैं, आप तो असम में थे या हैं, क्या क्या वहां पर भी इसी तरह के हालात है? अमी जी देखिए आपने बहुत ही अच्छा आकलन किया, चार प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव चल रहे हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है असम में अब की बार 100 पार, पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिसने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण ही नहीं समझा है, उनकी अध्यक्षा युवराज एक बहन वो गई नहीं है पश्चिम बंगाल, लेकिन क्या खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बताता हूँ, आज तमिलनाडु केरल और पुडुचेरी में प्रधानमंत्री जी थे, आम जनता से संपर्क साध रहे थे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी थे, असम में जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, क्या दर्शाता है कि आम जनता के साथ बातचीत हो रही है और इसीलिए विश्वास जीता जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिनको संकोच होता है कि वो अपनी गद्दी से कैसे उतरेंगी, पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं, क्योंकि बात हुई है शोभा मजुमदार जी की तो बहुत ही दर्दनाक है, पीड़ाजनक है कि जो पार्टी कहती है माँ माटी मानुष, वहां पे 85 का आरोप है कि केंद्रीय महिला को केंद्रीय बल आ गए हैं, वो हमारे कैंडिडेट्स को अब दिक्कत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यही बात बोली टीएमसी के प्रवक्ता ने यहाँ पर, मैं उस यही ममता दीदी ने थोड़ी देर पहले बात बोली है।